कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुका अर्थ बताते हुए खारिज कर दिया था। इस पूरे मामले पर अब बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है बाबा रामदेव ने, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में उदासीनाचार्य जगतगुरु भगवान श्री चंद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और नया उदासीन की ओर से संयुक्त रूप से बैंड बाजों के अलावा भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव सहित भारी संख्या में साधु संत पहुंचे थे। इस मौके पर स्वामी रामदेव से भारत और कनाडा विवाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने, सुनिए। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता अखंडता संप्रदाय के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहुत किया सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता अखंडता और संप्रदाय के साथ में कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। सुना आपने, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की परंपरा राष्ट्रीय धर्म और आध्यात्मिक धर्म पर आधारित रही। देश की एकता अखंडता और सनातन धर्म के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन कुछ लोग कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान का झंडा उठाकर भारत को बदनाम करते हैं। सिख धर्म से जुड़े सभी लोग भारत के साथ जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले कुछ लोग हैं, उन्हें सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं मानना चाहिए। बहरहाल बाबा रामदेव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।